Hi all, good morning. This lecture is for standard 7th science chapter 12. Hope you all are studying well. ठीक है, अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है. साइंस इज लिटिल बिट डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट. ठीक है, बट इसको हम लोगों को डिफिकल्ट नहीं समझना है. ओनली द थिंग इज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू अंडरस्टैंड साइंस. आज मैं थोड़ा सा आपको दो मिनट पहले बता दूँ, साइंस अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो दो चीज़ करना पड़ेगा. ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज़ आपको ये करना पड़ेगा कि यू हैव टू बी वेरी मच अलर्ट वाइल स्टडी. जब आप पढ़ाई करते हो तब आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा वाइल गोइंग थ्रू द इम्पोर्टेंट वर्ड्स. जो भी आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स लगते हों, जिनका स्पेलिंग आपको नहीं आता हो, जिनको हाउ टू स्पेल इट यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, तो वो वर्ड को आपको चार बार पांच बार लर्न करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा. सेकेंड क्या होता है कि जब हम साइंस स्टडी करते हैं तो उस समय आपको थोड़ा सा कल्पना करना पड़ेगा, इमेजिनरी करनी पड़ेगी. बिकॉज जिस चीज़ों के बारे में आप जानने की कोशिश करते हो वो चीज़ हो सकता है कि आपके सामने मौजूद हो या ना हो. बिकॉज साइंस में सो मेनी टाइम्स वी फील दैट वी आर थिंकिंग एंड वी आर एज्यूमिंग द थिंग्स. ठीक है, और वैसे भी जो आपके आसपास में चीज़ें होती हैं, वैसे भी आपके आसपास में बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए. यानी जब आप घर में बैठते हो तो आपका मतलब ऑब्जर्वेशन करेक्ट होना चाहिए. आप अगर किसी भी चीज़ के ऊपर ऑब्जर्वेशन नहीं रखोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा. आप क्या होता है कि हमारा ऑब्जर्वेशन मिस हो जाता है, हम किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते. हम सोच ठीक है चलो चल रहा है चलने दो. साइंस में आपको दो चीज़ करना पड़ेगा. एक तो ये करना पड़ेगा आपको कि आपको इमेजिन करना पड़ेगा, आपको कल्पना करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये चीज़ है तो इसके ऊपर हमको ऐसे करना है. ठीक है, अब देखो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. अब प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है. ठीक है, अब थोड़ा आप बड़े हो गए हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या है, लिविंग थिंग्स में होता है. लिविंग थिंग्स में दो होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर और एक है मल्टी सेलुलर. तो यूनिसेलुलर में भी ये चीज़ें होती हैं पर उसमें सेल्फ होता है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी सपोर्ट ऑफ एनी थिंग्स. और जो मल्टी सेलुलर होता है उसके अंदर दे रिक्वायर्ड सपोर्ट ऑफ अदर थिंग्स. तो आपका कैसा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिप्रोडक्शंस होते हैं उसके अंदर आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे. बिकॉज आई एम गोइंग टू प्रिपेयर दिस चैप्टर इन टू पार्ट. तो पहले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि प्लांट में ये रिप्रोडक्शन कैसे होता है. यानी आपका एक प्लांट तो है, जैसे आपने मैंगो का एक प्लांट लगाया, ठीक है, तो एक प्लांट से कितना मैंगो होगा कि आप खाओगे, तो क्या करोगे, एक दूसरा प्लांट लगाओगे, एक तीसरा प्लांट लगाओगे, एक चौथा प्लांट लगाओगे, तभी जाके पूरा देश आम खाएगा. हाउ यू ईट मैंगो, 135 करोड़ आपके देश में लोग हैं तो इतने सारे लोगों को आम कहाँ से मिलेगा. एक पेड़ होगा तो उससे तो क्या होगा, 15-20 आम होंगे. तो हमको अगर पूरे देश को आम खिलाना है तो क्या करना होगा, बहुत सारे आम के पेड़ लगाने होंगे. तो वो कैसे होता है वो हम लोगों को इसमें समझना है. तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है वो हम एक बार आपको रीड करते हैं. ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन. ठीक है, इनफैक्ट रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. दिस प्रोसेस वेरीज फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर. ये एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में वेरी करता है. यानी सबके प्रोसेस अलग अलग होते हैं. सम एनिमल्स लाइक बर्ड, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स ले एग्स फ्रॉम विच यंग वंस हैच आउट. अब कई सारे होते हैं ना, बर्ड होते हैं या कई सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि एग देते हैं. जैसे आपने देखा होगा हैन, हैन का क्या होता है, दे गिविंग एग्स, और बाद में वो एग जो है थोड़े टाइम के बाद बड़े हो जाते हैं, देन द अनदर थिंग्स इज कमिंग आउट फ्रॉम विच यंग वंस हैच आउट. फीमेल्स ऑफ सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. फॉर एग्जाम्पल, फीमेल कैट गिव्स बर्थ टू किटन, फीमेल डॉग गिव्स बर्थ टू पपीज, फीमेल ह्यूमन गिव बर्थ टू, इनफैक्ट सम प्लांट्स बियर फ्लावर्स विच
form seeds and these seeds give rise to new plant. In this chapter we will discuss the different modes of reproduction in plants. अब देखो modes of reproduction. सॉरी हाँ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. अभी रिप्रोडक्शन का मोड क्या है. देर आर डिफरेंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट. अब क्या क्या मेथड है रिप्रोडक्शन के प्लांट में देखते हैं. द मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स. एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है वो हम देखते हैं. चलो मैं आगे थोड़ा करता हूँ इसको. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए सिंगल इंडिविजुअल गिव्स राइज टू मोर ऑफ इट्स ओन काइंड. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स न्यू प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग प्लांट विदाउट सीड्स. इसमें क्या होता है कि सीड्स नहीं होते हैं. विदाउट सीड्स जो है ना प्लांट ग्रो करते हैं. सम ऑफ द प्लांट्स विच कैन बी रिप्रोड्यूस बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड विदाउट सीड्स आर रोज पोटैटो जिंजर टर्मरिक स्वीट पोटैटो दलिया शुगर केन ब्रायोफाइलम एंड कैक्टस. अब ये इतने सारे जो जैसे पोटैटो है तो पोटैटो का अगर आपको मान लो कि पोटैटो होता है ठीक है तो आई एम गेटिंग सम प्रॉब्लम इन द रूम आई थिंक सो. तो उसमें कैसा होता है कि जैसे पोटैटो है तो एक पोटैटो तो उस बहुत सारे पोटैटो कैसे बनेंगे. पोटैटो में क्या होता है कि देर इज ए बड उसके आँख होते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है वी आर कटिंग एंड देन वी आर पुटिंग इन द अर्थ. तो उससे क्या होता है उसका आगे डेवलपमेंट होता है. सेल फ्यूजन बाइनरी फ्यूजन. अब ये क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं. देखो स्प्लिटिंग ऑफ ए मेच्योर सेल इंटू टू और मोर सेल ऑफ द सेम टाइप इज कॉल्ड बाइनरी सेल. यानी एक सेल से अगर दूसरे सेल में कन्वर्जन होता है तो उसको हम लोग बाइनरी सेल कहते हैं. अब देखो थोड़ा सा आगे हम रीड करते हैं कि इन बाइनरी फ्यूजन फर्स्ट द न्यूक्लियस. इन बाइनरी फ्यूजन में देखो यहाँ क्या होता है थोड़ा स्कैन में कट गया है पर यू हैव टू ओपन योर बुक एंड सी. फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड इंटू टू न्यूक्लाई. जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई. द साइटोप्लाज्म देन डिवाइड इंटू टू पार्ट ईच कंटेनिंग ए न्यूक्लियस. जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. फर्दर स्ट्रेचिंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स. और फिर फर्दर आगे स्ट्रेच होकर दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है. दीज सेल्स सो फॉर्म ग्रो इंटू मेन्योर सेल्स एंड देन अंडरगो सिमिलर बाइनरी फ्यूजन. इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया. अब देखो ये फोटोग्राफ्स इसको अच्छे से ध्यान से देखो. सबसे पहले क्या है सेल वॉल. सेल वॉल जो है ये आउटर जो आपको लाइन दिख रहा है येल्लो कलर का दैट इज़ कॉल्ड सेल वॉल. देखो मैंने पहले भी आपको बताया था कि देर इज़ अ टू टाइप ऑफ सेल ठीक है एनिमल सेल और प्लांट सेल और ह्यूमन सेल. तो जो प्लांट सेल है अभी हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं. जो प्लांट सेल है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. और प्लांट सेल में कैसा होता है कि उसके जो बाहर के जो हिस्से होते हैं जो येलो कलर के होते हैं उनको हम बोलते हैं सेल वॉल. और फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन तैयार होता है. उसका देखो क्रोमोसोम फर्स्ट क्रोमोसोम टू सॉरी नेट इज़ ऑन आई थिंक सो. रुको एक मिनट में नेट बंद कर देता हूँ. नेट चालू रहेगा ना तो बार बार कुछ ना कुछ आता रहेगा. देखो यहाँ पे थे हम लोग. अब सेल वाल तो कोई भी जो सेल होता है ना उसके आउटर जो रिंग्स होते हैं ना उसको हम बोलते हैं सेल वाल. उसके बाद देखो सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होता है. फिर इसके बाद नेक्स्ट जो फोटोग्राफ्स है उसमें देखो कि वो दो क्रोमोसोम में डिवाइड हो जाते हैं ठीक है क्रोमोसोम वन क्रोमोसोम टू. उसके बाद क्या होता है लाइसोसोम जो है ना डेवलप होना शुरू हो जाता है दोनों सेल के अंदर. और उसके बाद क्या होता है जो लाइसोसोम डेवलप होता है उसके बाद जो सेल है ना वो दो पार्ट में अलग हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड डॉटर सेल. उसको डॉटर सेल बोलते हैं. अब देखो ये एक प्रोसेस था. अब दूसरा प्रोसेस हम सीखते हैं बडिंग ठीक है बूडिंग इसको बोलते हैं बूडिंग.
बुडिंग में क्या होता है कि ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय बुडिंग, ए बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द बड इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है कि जो जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म का, द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इंटू टू एंड वन ऑफ द न्यूक्ली मूव्स इंटू द बर्ड। वेन द बर्ड गेट मैच्योर्ड इट डिटैच इट सेल्फ फ्रॉम द पेरेंट ईस्ट सेल एंड बिकेम एन इंडिपेंडेंट ईस्ट सेल। रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाई बडिंग इज शोन इन फिगर। देखो ये जो फिगर है उसको ध्यान से देखो, इसमें प्रेजेंट ईस्ट सेल है, दूसरा है बर्ड, ठीक है, तीसरा है प्रेजेंट ईस्ट सेल, न्यू ईस्ट सेल। अब देखो स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन किसे कहते हैं वो देखो। इन द स्पोर फॉर्मेशन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ टीनी स्पोर्स इन स्पोर केसेस। व्हेन द स्पोर केसेस ऑफ प्लांट ब्रस्ट देन द स्पोर स्प्रेड इनटू एयर। जो स्पोर है वो हवा में स्प्रेड हो जाता है। देखो यहाँ पे हवा में ये स्प्रेड होता है। एज द स्पोर्स आर वेरी लाइट, जो स्पोर्स होता है वो उसका जो वेट होता है ना बहुत लाइट होता है। दे कीप फ्लोटिंग इन एयर एंड कैरिड ओवर लार्ज डिस्टेंस बाई एयर। ईच स्पोर इज कवर्ड बाई ए हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विदस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। वेन द एयर बोर्न स्पोरेज लैंड ऑन फूड अंडर फेवरेबल कंडीशंस द जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स मोस्ट ऑफ द फंगी ब्रेड मोल्ड प्लांट्स एंड फ्लावरलेस प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाई मीन्स ऑफ स्पोरेज। वाइट फ्लफी मास ग्रोइंग ऑन द सर्फेस ऑफ मॉइस्ट स्टेल ब्रेड आर द जर्मिनेशन स्पोरेज ऑफ रायोस्पर्स। अब देखो यहाँ पे फोटोग्राफ्स दिया हुआ है। कॉमन ब्रेड माउल्ड प्लांट्स इट रिप्रोड्यूस बाई फॉर्मिंग स्पोरेज। अब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बर्ड के बारे में पहले समझ लो कि जैसे पोटैटो है या गाजर है या बहुत सारे ऐसे हैं जिसके बर्ड के थ्रू आप दूसरे पोटैटो डेवलप कर लेते हैं। सबसे पहले देखा हमने सेल का कि सेल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो न्यूक्ली बन जाते हैं, फिर क्रोमोसोम्स क्रिएट होते हैं, फिर लाइसोसोम क्रिएट्स होते हैं, फिर डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे एक से दो वैसे ही हो जाते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा फंगी है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इन लोगों को डेवलप होने के लिए किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि आपको मैं बताऊं सिंपल कि व्हेन द एयर बोर्न स्पोरेज लैंड ऑन अंडर फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स मोस्ट ऑफ द फंगी ब्रेड। अब जैसे ब्रेड है तो आप ब्रेड को घर में क्या करते हो, इन द मॉर्निंग यू हैव टू टेक इट फ्रॉम द फ्रिज और आप बाहर रख दो। आफ्टर टू और थ्री डेज यू विल सी कि उस पर क्या होता है कि देर इज ए वाइट कलर्स ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स यूज टू बिकम। तो वो जब आप छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली डेवलप होता जाता है, दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी सपोर्ट। तो वो एक स्पोरेज होते हैं उनके अंदर, यानी जो आप ये फोटोग्राफ्स देख रहे हो यहाँ पे क्या होता है कि देर इज ए स्पोरेज, यानी कि छेद होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं और वो स्पोरेज के थ्रू यहाँ पर जब आप फोटोग्राफ्स अच्छे से देखोगे तो जो स्पोर है वो क्या होता है, वो थोड़े टाइम के बाद ब्रस्ट होता है, फूटता है, आफ्टर सम टाइम वो ब्रस्ट होता है और फिर अलग अलग हो जाते हैं, फिर फूटता है, फिर अलग अलग हो जाते हैं। वो हमको नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है बट दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज हैपनिंग, ठीक है। अब एक और प्रोसेस है जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में कैसा होता है कि इन सर्टेन एल्गी सच एज एस्पायरोगायरा, इसको बोलते हैं हम लोग एस्पायरोगायरा, द लॉन्ग रिबन लाइक बॉडी ब्रेक, रिबन आपने सबने देखा होगा, जनरली द लेडी यूज टू हैव रिबन, तो रिबन के टाइप का वो लंबा पट्टी होता है। अगर रिबन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लंबा पट्टी होता है। एल्गी जो होता है ना सच एज एस्पायरोगायरा, एक एस्पायरोगायरा एक कम्युनिटीज होती है जिसके बारे में हमको समझना है कि वो कैसे डेवलप होता है फ्रॉम वन टू टू, टू टू थ्री, ठीक है। तो वो रिबन लाइक जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंटस। बॉडी ब्रेक अप इनटू टू और मोर पार्ट्स कॉल
फ्रैगमेंट्स वो क्या है, हर थोड़े देर के बाद दो पार्ट होगा, तीन पार्ट होगा। द ब्रेकिंग ऑफ बॉडी इंटू वन और मोर पार्ट ऑन मैच्योरिंग इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, जहाँ पे कि वो दो पार्ट में तीन पार्ट में टूटता है। ईच फ्रेगमेंट देन ग्रोज इंटू न्यू इंडिविजुअल। वो जब दो पार्ट में टूटते हैं तो एक अकेला जो होता है वो इंडिविजुअल बन जाता है। द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू रिपेयर देमसेल्व्स और ग्रो द डैमेज्ड पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। उसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। द ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट प्लांट इन फ्रेगमेंटेशन टू फॉर्म न्यू प्लांट्स अकर्स नेचुरली व्हेन द पेरेंट प्लांट मैच्योर। फॉर दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द प्लांट्स वुड हैव मोर वुड पावर ऑफ रीजनरेशन। उसमें क्या होता है कि एक रीजनरेशन की बात आती है। अब देखो यहाँ पे जो फोटोग्राफ दिया हुआ है उसमें क्या है, पेरेंट सेल है, उसके नीचे फ्रेगमेंट्स है, उसके नीचे देखो क्या दिया हुआ है, न्यू इंडिविजुअल्स दिया हुआ है। अभी रीजनरेशंस, ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये रीजनरेशंस क्या है। द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू रिपेयर देमसेल्व्स और ग्रो लॉस्ट पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू रिपेयर देमसेल्व्स, अभी क्या होता है जो लिविंग थिंग्स होता है खुद को वो रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, टू ग्रो लॉस्ट पार्ट्स इन कॉल्ड रीजनरेशन। प्लांट्स जनरली हैव ग्रेटर पावर ऑफ रीजनरेशन देन एनिमल्स। द ग्रास ऑन ए लॉन इज मूव्ड एंड ग्रो अगेन विथ मोर विगर। ट्रीज प्राउंडेड और कट डाउन ड्यूरिंग विंटर ग्रो बेटर ड्यूरिंग समर। अब देखते हो जब बहुत गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, पेड़ को कटवा देते हैं, मतलब ठंडे के टाइम में कटवा देते हैं। काटने के बाद क्या होता है, वो फिर से अपना धीरे 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 बड़े हो जाते हैं। ट्रीज प्राउंड और कट डाउन ड्यूरिंग विंटर, ठीक है, ग्रो बेटर ड्यूरिंग द समर, और समर में फिर अपना निकल जाते हैं। द लॉस्ट ब्रांचेज एंड लीव्स आर रीजनरेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो ब्रांच उनका टूट जाता है या सूख जाता है वो फिर से रीजनरेटेड होने लगता है। स्टार फिश एंड हाइड्रा आर अदर एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन। स्टारफिश होता है और हाइड्रा, यहाँ पर फोटोग्राफ्स हैं स्टारफिश और हाइड्रा का, स्टारफिश और देखो हाइड्रा का यहाँ पर फोटोग्राफ्स दिया हुआ है। एडल्ट हाइड्रा मतलब थोड़ा सा वो कंप्लीट हाइड्रा बोलते हैं उसको। वो क्या होता है, देखो रीजनरेशन में उसके दो पार्ट अलग हो गए और फिर ऊपर जाके जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें नीचे का पार्ट डेवलप होता है, देन इट बिकम्स कम्प्लीट। और नीचे वाला जो पार्ट कटा हुआ है वो यहाँ पे देखो आके उसके ऊपर का डेवलप हो जाता है पार्ट। अब देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में हम समझते हैं, और ये आपको सब वर्ड लर्न करना है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम किसको कहेंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वेयर वेजिटेटिव पार्ट्स नेमली द रूट स्टीम और लीव गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स। जैसे कि कोई भी वेजिटेटिव पार्ट होता है किसी प्लांट का, उसके जो पार्ट होते हैं जैसे रूट है, स्टीम है और लीव है, वो लोग बड़े होकर के एक प्लांट का रूप ले लेते हैं। नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट्स। अब रूट्स के थ्रू जो नेचुरल वेजिटेटिव है वो क्या है, सम प्लांट्स प्रोपगेट फ्रॉम रूट्स। स्वीट पोटैटो, जब हम लोग फास्टिंग करते हैं फलाहारी होती है तो हम लोग स्वीट पोटैटो यूज़ करते हैं, दालिया है, etc. दीज प्लांट्स हैव मोडिफाइड रूट्स थिकेंड विथ स्टोर फूड विच आर कॉल्ड रूट ट्यूबर्स। द रूट ट्यूबर्स ऑफ दीज प्लांट्स हैव बर्ड ऑन देम विच कैन ग्रो टू रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, ठीक है, बाई स्टीम। इन सम प्लांट्स न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम मोडिफाइड स्टीम एज इन पोटैटो। पोटैटो प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रॉम ट्यूबर। ए ट्यूबर इज द थिकेंड अंडरग्राउंड स्टीम underground steam of a plant which is swollen with store food. The tuber has a number of bud. Each bud of the tuber can grow into a new plant when the old tuber is planted in the soil. There are two type of tubers. कौन कौन से tuber होते हैं देखो, steam tuber and root tuber. Potato is a steam tuber. Potato क्या होता है, वो एक steam tuber होता है. Potato seeds are weak. They rarely grow into plants.
द पोटैटो विच यू कैन यू ईट इज इन फैक्ट एन अंडरग्राउंड स्वेलेस्ड स्टीम विच कंटेन ए स्टोर फूड मटेरियल. पोटैटो हैज आइज विच कंटेन बर्ड्स. द आइज ऑन द पोटैटो स्प्राउट एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट. इफ ए पोटैटो इज कट इन टू पीसेज एंड प्लांटेड इन द सॉइल विद द आई ऑन ईच पार्ट ए न्यू प्लांट विल डेवलप फ्रॉम ईच पार्ट. अब देखो, पोटैटो से आपको अगर दूसरा पोटैटो का पेड़ चाहिए तो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है. उसको हम एक बार और आपको फिर से रिवाइज करके बताते हैं, ध्यान से सुनना आप लोग. देखो, सबसे पहले क्या है इसमें कि ये रिप्रोडक्शन इन प्लांट. रिप्रोडक्शन इन प्लांट का मतलब होता है एक से दूसरा प्लांट, दूसरे से तीसरा प्लांट. तो ये हमको जानने के लिए सबसे पहला जो है ना वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि दो मोड है रिप्रोडक्शन के. पहला है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना प्लांट का वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, इन पार्ट वन. तो ए सेक्सुअल प्रोडक्शन में कैसा होता है कि कोई भी जो सिंगल इंडिविजुअल है राइज टू मूव मोर और इट्स ओन काइंड, वो अपने जैसे ही दूसरे बनाएगा. उसमें सेल फ्यूजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन. बाइनरी फ्यूजन में आपको देखो कैसा होता है, बाइनरी फ्यूजन में कि सेल वॉल होता है, फिर वो सेल मेम्ब्रेन बनता है, फिर क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम बन जाते हैं, वन और टू, फिर राइबोसोम्स बनता है, फिर डॉटर सेल दो बन जाते हैं, फिर बडिंग होती है. बडिंग में कैसा होता है कि ए बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द बड इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म. द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट बॉडी डिवाइड इन टू टू और मोर. अब देखो यहाँ पे कैसा होता है कि सबसे पहले आप फोटोग्राफ्स पे ध्यान दो. ईस्ट सेल है ये, एक एक, एक उसका बना हुआ है, दो इसके बड जो है ना धीरे से एक आगे निकल गए, फिर क्या हुआ, दो हो गए, फिर वो दोनों अलग अलग हो गए. तो पेरेंट सेल हो गया और एक नया हो गया. तो जो ईस्ट है यानी कि जैसे आपका कर्ड है, तो कर्ड को क्या करते हो, आप बाहर निकाल के रख दोगे तो कर्ड में क्या होगा, ईस्ट का फॉर्मेशन होना शुरू होगा. जैसे ब्रेड है आपका, तो ब्रेड के ऊपर भी वही फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है. अब देखो स्पोर फॉर्मेशन है, तो स्पोर फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि वो ब्रस्ट हो जाता है, यानी कि जैसे फंगी है, बाहर आप निकालोगे आपका ब्रेड बाहर निकाल के रखोगे, उसके ऊपर बहुत सारे जो लेयर्स होते हैं, वायरस होते हैं, उसमें से एक फट ब्रस्ट होगा विच यू कैन नॉट सी फ्रॉम योर नेकेड आइज. तो उससे वो दूसरा होगा, तीसरा होगा, ठीक है. इसके बाद है फ्रेगमेंटेशन होता है. फ्रेगमेंटेशन में क्या है, रिबन टाइप का या लंबा पट्टी होता है जो कि दो पार्ट में टूट जाता है. एक रीजनरेशन होता है. रीजनरेशन में आपको पता है कि बहुत सारे प्लांट जो है ना जब आप काट देते हो तो क्या होता है, वो खुद ब खुद अपना उनका पेयर निकलना शुरू हो जाता है. अब देखो यहाँ पे क्या है, रीजनरेशन में देखो हाइड्रिला है. अब हाइड्रिला को कैसा कि दो पार्ट में काट दिया गया, ठीक है, फोटोग्राफ्स देखो तो काटने के बाद क्या है, ऊपर वाला देखो वो नीचे निकल गया, नीचे वाला जो है ऊपर निकल गया, दैट इज़ कॉल्ड रीजनरेशन. अब वेजिटेटिव प्रोग्रेशन में कैसा होता है कि बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स आपको दिखेंगे जिसके अंदर उनका जो रूट है, कई ऐसे होते हैं जैसे पोटैटो है, तो उसमें क्या होता है कि पोटैटो में बर्ड आते हैं, तो उनको काट काट के आप लगाओगे तो बहुत सारे पोटैटो हो जाएंगे. जैसे कि ये स्वीट पोटैटो होता है तो उसमें देखो वैसे ही पेड़ निकलना शुरू हो जाता है. जैसे ओनियन है आपके घर में पड़ा हुआ है तो उसमें से देखोगे पेड़ निकलना शुरू हो जाता है. अभी जनरली विंटर सीजन में ऐसा होता है, जो भी वेजिटेबल आप घर में ला के रखोगे तो उसमें से पेड़ निकलने शुरू हो जाते हैं. तो दैट इज़ द नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रूट्स में होता है, बाई स्टीम होता है. यहाँ पे देखो फोटोग्राफ से पता चल रहा है कि न्यू पोटैटो प्लांट ग्रोज फ्रॉम ईच बर्ड ऑन द ओल्ड पोटैटो. कि अगर आपके घर में पोटैटो पड़ा हुआ है तो उसमें से पेड़ निकलना शुरू हो जाता है. तो दीज थिंग्स टू अंडरस्टैंड यू, कुछ है नहीं ज़्यादा, दिस चैप्टर इज़ वेरी ईजी फॉर यू, बट आपको लर्न करना है. चलो, थैंक यू, बाय.